ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कहते हैं नशा कुछ ऐसा कर देता है कि नशे में अपना पराया नज़र नहीं आता है। नशे की हालत में या नशा करने के लिए नशेड़ी कितनी हद तक गिर सकते हैं इसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। मगर कल रात एक नशेड़ी ने नशे के लिए अपनी पत्नी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मामला है मुमरा के दरगाह गली शिवाजी नगर शिव पैलेस का, जहां कल ऐसी घटना सामने आई जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परवीन पुरबिया 34 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी संतोषी परवीन पुरबिया को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। परवीन और उसकी पत्नी संतोषी बिल्डिंग में साफ सफाई का काम करते थे। बताया जा रहा है कि परवीन अपनी पत्नी से शराब लाने को कहा, मगर उसकी पत्नी देर से शराब लेकर आई। इसी बात को लेकर परवीन अपनी पत्नी संतोषी को डंडों से जमकर पिटाई की। ये घटना शिवाजी नगर शिव पैलेस 5वीं मंजिल की है। कल रात करीब 8 से 9 बजे के बीच ये घटना हुई, जिस वक्त प्रवीण बेरहमी से संतोषी की पिटाई कर रहा था। उस वक्त संतोषी के 9 वर्षीय बेटी भी मौजूद थी। पिटाई के दौरान मासूम मदद के लिए चिल्लाती रही, मगर किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया। आखिर प्रवीण ने संतोषी को तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। घटना की खबर लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया और घटना स्थल पर एसीपी रमेश धुमाल, मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कर अपनी टीम के साथ पहुंच गए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी प्रवीण पुरबिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ 302 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेशी के लिए भेजा गया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।